गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन का इंग्लिश का सिलेबस। यह आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का सिलेबस है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग शेयर करेंगे, तो आप लोग अपनी बुक्स लेके बैठ सकते हैं, उन पर टिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स बनाना चाहें, इसे लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसे देख पाएँ, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि भाई आपको फर्स्ट टर्म में क्या क्या पढ़ना है, सेकंड टर्म में क्या क्या पढ़ना है ना, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। तो देखिए, सबसे पहले आपको पोएम पढ़नी है, द स्क्वायरल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फोर्थ फिफ्थ है ना क्लास की कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई हैं, कुछ प्रीवियस वर्कशीट्स दी गई हैं ग्रामर के लिए, जो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जो कोरोना के टाइम पर वर्कशीट्स आई थी, वो यहाँ आपको दी गई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। द स्क्वायरल के लिए वर्कशीट नंबर 1 थी। अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है पंक्चुएशन के लिए, तो फिर यहाँ पे आपको वर्कशीट नंबर 25 पढ़नी है। और अगर आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स के लिए पढ़नी है, तो यहाँ पे आपको 10, 13 और 43 पढ़नी है, ठीक है। और ये वर्कशीट्स हमारे चैनल पर अपलोड हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, जो आपका लिखा है 3 क्वेश्चंस, ठीक है। 3 क्वेश्चंस के लिए आप देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 6, 7, 9 और 11, ठीक है। इसके अलावा WH फैमिली के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। WH फैमिली क्या है, कितने उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप वर्कशीट नंबर 36 और 34 देख सकते हैं। सारी वर्कशीट्स अपलोड है हमारे चैनल पर, है ना, तो आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इस तरह से सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, एक 3 क्वेश्चन वाला पढ़ना है और एक द स्क्वायरल पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको सप्लीमेंट्री जो बुक है NLL हैंड, ठीक है, इसके जो चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है द टाइनी टीचर, उसके बाद ब्रिंग अप करी जो है ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो मेंशन सिलेबस है सप्लीमेंट्री बुक के, ये असेसमेंट पर्पज़ से नहीं आएंगे, है ना, ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे, ऐसा मतलब एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये 13 तारीख को आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 13 सितंबर तक, क्योंकि इसके बाद आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म में आपको द गोपाल और हिल्सा फिश वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हैं हमारी वर्कशीट नंबर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अच्छा गोपाल एंड हिल्सा फिश की वर्कशीट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ वर्कशीट नंबर नहीं दिया गया है, हाँ, लेकिन आपको ग्रामर के लिए जिसमें लेटर राइटिंग वगैरह आपको सिखाई गई है वो वर्कशीट आपको दी है 12, 19, 26 और 32, ठीक है। तो इसमें आपको फॉर्मल इनफॉर्मल सारे लेटर्स वगैरह बताए जाएंगे। इसके बाद दो जो आपकी पोएम है द शेड, अगर आपको ये पढ़नी है तो ये आपको वर्कशीट नंबर 20 में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ डिग्रीज पढ़नी है, तो ये आपको वर्कशीट नंबर 24 देखनी होगी, ठीक है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है पोएम पढ़नी है ट्री, ठीक है। अगर ट्री आपको पढ़ना है तो इसमें वर्कशीट नंबर 38 और 40 आपको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको जो चीवी आपकी पोएम पढ़नी है, इसमें आपको पढ़ना है वर्कशीट नंबर 42 और 44, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है, मतलब ये पूरी वीडियो फिनिश होती है सेकंड टर्म के लिए, ठीक। सेकंड टर्म में जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है NLL हैंड, उसमें गोलू वाला पढ़ना है, गोलू ग्रो या नोज है ना, चांदनी पढ़ना है, टाइगर इन हाउस पढ़ना है और NLL हैंड पढ़ना है, लेकिन ये इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो बस ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टर्म का जो मतलब जो आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस है, ये आपको 31 जनवरी तक फिनिश कर देना है, ठीक है। फिर आपके एनुअल टर्म के एग्ज़ाम शुरू होंगे, लेकिन एनुअल टर्म के एग्ज़ाम्स में आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है बिल्कुल, कि आपके जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के जो सिलेबस है वो पूरा पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको एकदम बढ़िया से रेडी रहना है एग्ज़ाम्स के लिए। और रही बात वर्कशीट की, तो मैं एक वीडियो अलग से आपके लिए शॉर्ट डाल दूँगी कि भाई आप कैसे जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं और प्ले लिस्ट कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका इंग्लिश का सिलेबस, बाकी हिंदी वगैरह सारे सिलेबस मैंने अपलोड कर दिए, जो बचे वो भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग देखिए, उसे शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।